इस वीडियो में हम फ़ुज़ोकोर्ट और कॉलोनाइट की एक साल बाद की परफॉर्मेंस देख रहे होंगे। सबसे पहले फ़ुज़ोकोर्ट को देखते हैं जो कि अगले दरवाज़े पर अप्लाई की गई थी। फ़ुज़ोकोर्ट एक साल के लिहाज से अभी भी बहुत स्ट्रांग जा रही है। फ़ुज़ोकोर्ट की जो चीज़ें मुझे पसंद आईं वो सबसे बेस्ट ये थी कि फ़ुज़ोकोर्ट डस्ट बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं करती। इसकी सेल्फ़ क्लीनिंग एबिलिटी बहुत अच्छी है, यानी जिस जगह आप अप्लाई कर रहे हैं उसको ज़्यादा देर तक साफ़ रखने में मदद करती है। सिर्फ एक जगह से मुझे फ़ुज़ो थोड़ी वीक लगना शुरू हुई है। अगर आप दरवाज़े के नीचे अगले हिस्से को देखें तो वहाँ पर प्रेशर वॉशर का जब पानी लगता है तो वहाँ पर शीटिंग हो रही है, लेकिन जो शीटिंग स्पीड है वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा है, जो कि क्लियर साइन है कि फ़ुज़ो पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई। कॉलोनाइट की परफॉर्मेंस एक साल के लिहाज से बहुत अच्छी रही है। कॉलोनाइट दरवाजे के मिडल से नीचे तक डिग्रेड हुई है। इसकी शीटिंग स्पीड भी अच्छी है, जिससे पता चल रहा है ये भी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई। लेकिन अगर दोनों को कंपेयर किया जाए, जिन जगहों से दोनों वीक हुई हैं, तो फ़ुज़ो की परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर लग रही है। हालांकि फ़ुज़ो फ्रंट डोर पर अप्लाई की गई थी, जिस पर वेयर एंड टीयर ज़्यादा होता है बनिस्बत पिछले दरवाजे के, इसके बावजूद फ़ुज़ो ने अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। कॉलोनाइट का एक मसला है जो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा। कॉलोनाइट डस्ट अट्रैक्ट करती है, जो कि पहले वॉश के बाद सही हो जाता है। इसके अलावा अगर आपको टाइट राउंड बीड्स पसंद हैं तो फ़ुज़ो आपके लिए ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि फ़ुज़ो का जो हाइड्रोफोबिक बिहेवियर है और उसकी जो सेल्फ क्लीनिंग एबिलिटी है वो ज़्यादा बेहतर है। ओवरऑल दोनों प्रोडक्ट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है एक साल के ड्यूरेशन में। आप जो भी प्रोडक्ट चूज़ करेंगे आपका डिसीजन गलत नहीं होगा। दोनों क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं।